तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन कैपेसिटेंस में, और अब अपन कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो ट्रिकी बनते हैं कि यार स्मॉल ड्रॉप्स थी उनको कंबाइन कर दिया तो बताओ नया कैपेसिटी क्या हो जाएगी, नया पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नया चार्ज क्या हो जाएगा, नई रेडियस क्या हो जाएगी, नई एनर्जी क्या हो जाएगी, नई एनर्जी में डिफरेंस क्या हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन। चलिए बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो देखो यार, जो इन सिंबलों को मैं यूज करूंगा इसमें, अगर अपन लोग जब स्मॉल ड्रॉप्स की बात करेंगे, कितनी आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स हैं अपने पास, एन आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स हैं, हर एक की रेडियस को स्मॉल आर, कैपेसिटी को स्मॉल सी, चार्ज को स्मॉल क्यू, पोटेंशियल को स्मॉल वी और एनर्जी को स्मॉल यू। बार बार मैं स्मॉल जब यूज करूं तो समझ लेना वो स्मॉल ड्रॉप के लिए है, और जब मैं बिग यूज करूं दैट विल बी फॉर बिग ड्रॉप। रेडियस कैपिटल आर लेंगे बिग ड्रॉप की, कैपेसिटी सी लेंगे, चार्ज कैपिटल क्यू लेंगे, पोटेंशियल कैपिटल वी लेंगे और एनर्जी को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, स्मॉल से स्मॉल ड्रॉप्स, बिग लेटर्स से कैपिटल लेटर्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे बिग ड्रॉप को, और स्मॉल कितनी ड्रॉप्स से एन है। तो चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि चार्ज कितना हो जाएगा। चार्ज ऑन बिग ड्रॉप, ऐसी बहुत छड़ी पिद्दू पिद्दू सी अपने पास स्मॉल ड्रॉप्स हैं, इन पर चार्ज कितना है, एक पर चार्ज है क्यू, टोटल कितना चार्ज है एन। और खुशखबरी क्या है कि चार्ज स्केलर है, चार्ज स्केलर है और चार्ज साथ में कंजर्व्ड भी है, मतलब कि चार्ज को आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। सो यहां पर अगर n स्मॉल ड्रॉप्स हैं, क्योंकि ये वेक्टर वेक्टर का कोई लॉजिक नहीं लग रहा, एक पर स्मॉल q है, दो पर 2q हो जाएगा, 3 पर 3q हो जाएगा, 4 पर, तो जब बिग ड्रॉप बनेगी n ड्रॉप्स से मिलकर, तो इन दैट केस बिग ड्रॉप पर चार्ज आ जाएगा स्मॉल एन इंटू क्यू। इसमें तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, बड़े वाले ड्रॉप पर जो चार्ज आएगा वो एन टाइम्स हो जाएगा स्मॉल वाले ड्रॉप्स के चार्ज के। तो ये हो गया पहला अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लो। वापस चलिए, इसके बाद अपन से बोला जाएगा रेडियस। यार एक बात बताओ, जब तुम छोटे छोटे से स्मॉल ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक बड़ी सी ड्रॉप बनाओगे तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, है ना। और मुझे रेडियस के साथ उसको लिंक भी करना है, मतलब मेरे पास मास है, मेरे पास डेंसिटी है, मेरे पास वॉल्यूम है, जब मैं मैटर्स को कंबाइन करने की बातें कर रहा हूं, मैं यहां पर क्योंकि रेडियस को लिंक करना है तो मैं बात किसकी कर रहा हूं यहां पर, वॉल्यूम की। तो ये याद रखो, ये फाइंड करो कि स्मॉल और बिग में सेम क्या है और रेडियस को इंक्लूड करें, तो भैया वॉल्यूम है। तो स्मॉल ड्रॉप का, एक छोटी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। अगर आप ऐसी एन ड्रॉप्स ले लें, वॉल्यूम भी स्केलर है, एक छोटे वाले का वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, लेट अस से 1 हो जाता, तो यहां पर जितनी भी ड्रॉप्स होती उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देते, एन ड्रॉप्स थी तो एन का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया स्मॉल ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम। तुम्हारे घर में छोटे छोटे कप हैं, है ना, मम्मा ने चाय बनाई, ठीक है, बड़ी वाली चाय, बोले वाले उसमें हत्ता बोलते हैं जिसको अपन लोग, है ना, उसमें चाय बनाई मम्मा ने और 10 कप के अंदर डाल दी, तो 10 कप के अंदर ज़्यादा चाय हो गई, है ना, मतलब मम्मा ने बनाई कम थी, अचानक से वो कृष्ण जी ने एक दाना चावल का खाया और वो घड़ा पूरा भरता गया और सारे ऋषि मुनियों को अपने आप हो गया। ऐसा अपने घर में अभी कोई कृष्ण नहीं आया ना, इसलिए पॉसिबल नहीं है, वो वहाँ पॉसिबल था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, मम्मा ने जितनी चाय बनाई उतने ही कप में डालेंगी, उतने ही लोगों को देंगी, तो उसी तरह से यहाँ पर जितना स्मॉल ड्रॉप्स हैं उनका टोटल वॉल्यूम है, जब ये सब कंबाइन होंगे, वापस कपों को डाल दिया, चाय अच्छी नहीं बनी, तो जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही होगा। अब थोड़ा बहुत चिपका हुआ है उसको भूल जाना, नहीं तो तुम में से कई लोग पता नहीं कहां कहां ले जाएंगे इस डिस्कशन को। तो 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, कैपिटल आर क्यूब और एक ही ड्रॉप है इसीलिए 1, है ना। अब जितना स्मॉल का वॉल्यूम था उतना ही बड़े का होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल से मिलकर ही बड़ा बन रहा है, तो एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, बड़े वाले ड्रॉप का 4/3 पाई कैंसिल, कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू आर की पावर 1/3। जब ये क्यूब रूट इधर जाएगा तो देखो, आर क्यूब से तो ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा कुछ इस तरह से, जिसको दिक्कत हो वो देख लो, ये पहले से ही था और ये क्यूब रूट आ गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहां पर 1 थी पावर, तो यहां से जब क्यूब रूट आएगा तो ये हो जाएगा 1/3, और 1/3 हो गया
तो ये आ गया कैपिटल आर इज बेसिकली इक्वल टू योर स्मॉल आर इनटू एन टू द पावर 1/3। ये याद रखना, आई थिंक यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। वापस अब आते हैं कैपेसिटेंस पे। अब कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप की बात करें तो स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटी स्फेयर भूल गए तो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर याद आ रहा है कुछ 4πε0r। तो कैपेसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप क्या हो जाएगी 4πε0r। क्यों? क्योंकि यहां पर अपने पास कैपिटल जो कैपेसिटी थी एक स्फेरिकल कंडक्टर की थी वो थी 4πε0r। अगर स्मॉल ड्रॉप की बात करेंगे तो यहां पर स्मॉल r, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन स्मॉल c के साथ। अब मैं आपसे कहता हूं कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, बड़ी वाली ड्रॉप के लिए आपको कैपेसिटी निकाल कर लानी है ना, तो कैपेसिटेंस निकाल के जाना, ज्यादा अच्छा वर्ड कैपेसिटी होगा इसके लिए। तो भाई कुछ नहीं करो, यहां पर आप क्या लिख दोगे 4πε0 कैपिटल r। अगर मुझे इन दोनों को इक्वेट करना है या कंपेयर करके देखना है तो यहां पर कैपिटल आर आ रहा है और यहां पर स्मॉल आर आ रहा है, और अभी अपन लोगों ने एक रिलेशन निकाला है कि कैपिटल आर इज एन टू दी पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। अगर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अपन यहां पर रख दें इस वैल्यू को, तो देखो 4πε0 कैपिटल आर की जगह पर अपन ने रख दिया एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। एन की पावर 1/3 बाहर हो जाएगा, 4πε0 इंटू स्मॉल आर ये बन जाएगी आपकी स्मॉल सी, यानी कि कैपेसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप, यानी कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप इज एन टू दी पावर 1/3 कैपेसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ये भी आसान हो गया। देखो चीजें आसान हो सकती हैं, देखने का नजरिया बदलो, और मैं आपका नजरिया ही बदलवा रहा हूं। जल्दी से इसका भी ले लो तुम स्क्रीनशॉट। अब आता है अपने पास पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप, इनके बीच का रिलेशन। अगर एक स्फीयर है तो सारा चार्ज अपन सेंटर पे मान लेते हैं, अगर सरफेस पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो अगर अपन देखें तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0qr। अगर अपने पास पॉइंट चार्ज हो, और स्फीयर के केस में भी अपन सरफेस की जो रेडियस होती थी बस वही रख देते थे, फॉर्मूला पॉइंट चार्ज वाला ही चलता था, और ये अपन ने पहले के वीडियोस में पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर उनको देखो, तब जाकर ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो अगर यहां पर देखें तो स्मॉल ड्रॉप के पास अपने पास पोटेंशियल आ गया 1/4πε0qr स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर। जब बिग ड्रॉप के लिए बात करोगे तो यहां आ जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, बाकी सारी चीजें सेम। अब कैपिटल क्यू क्या होता है, स्मॉल क्यू इंटू एन। अभी पढ़ा अपन लोगों ने कि बड़े वाले पर जो चार्ज आता है वो एन टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू, एक के चार्ज स्मॉल वाले के चार्ज के आता है, और रेडियस भी अपन पढ़ चुके हैं, ये तो अभी यूज भी कर लिया तो और दिमाग में बैठ गया। अब एक काम करो, ये क्यू और आर की वैल्यूज को यहां पर प्लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू इज एन क्यू एंड कैपिटल आर इज एन टू दी पावर 1/3 इंटू आर। जैसे ही आप देखोगे तो ये देखो गौर से, n की पावर 1 और n की पावर 1/3। अगर अपन इसको बाहर कर दे और सॉल्व करें तो 1-1/3 ये हो जाएगा 2/3, और ये जो बची हुई चीज है ये आपके पास क्या है, ये स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल है। सो इसको आप लिख सकते हो v, सो n टू दी पावर 2/3 इंटू v। ये शायद एक ऐसा रिलेशन है जो याद रखोगे तो बहुत काम आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन बने हैं, तो MCQ यहां पर स्मॉल ड्रॉप बिग ड्रॉप के बन सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से कि पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप इज n टू दी पावर 2/3 इंटू पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो जल्दी से इसका भी ले लो तुम क्या स्क्रीनशॉट। वापस चलिए, तो अब बात करेंगे अपन एनर्जी की। अगर एनर्जी निकालनी है तो देखो अपने पास तीन फॉर्मूले थे, हाफ सीवी स्क्वायर ये भी निकाल चुके हैं, हाफ क्यू इंटू वी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। इन तीनों में से आपकी मर्जी है आपको जिसको यूज करना है, मुझे क्यू वाला बड़ा आसान सा लगा तो मैंने ना हाफ क्यू वी यूज कर लिया, आएंगे सबसे उसी वही आंसर।
तो स्मॉल ड्रॉप की एनर्जी है आपके पास हाफ क्यू स्मॉल क्यू इंटू वी पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्मॉल ड्रॉप। अब आ जाओ जरा बड़े वाले पे, बड़े वाले का हो जाएगा हाफ क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल वी। अब कैपिटल क्यू को लिख सकते हो एन इंटू स्मॉल क्यू और कैपिटल वी को लिख सकते हो एन की पावर 2/3 इंटू स्मॉल वी। अभी निकाला था देखो पोटेंशियल वाला रिलेशन अपन ने, कैपिटल वी इज एन टू दी पावर 2/3 इंटू स्मॉल वी। तो यहां पर अगर मैं इसको यूज कर लूं तो ये आ गया कैपिटल वी की जगह पर और कैपिटल क्यू की जगह पे एन क्यू, एन की पावर 1 और एन की पावर 2/3 ये हो गए बाहर और एड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, तो ये हो जाएगा एन की पावर 5/3 और हाफ हाफ क्यू इंटू वी और ये है स्मॉल ड्रॉप की एनर्जी। तो बड़े ड्रॉप की जो एनर्जी आएगी दैट विल बी एन टू दी पावर 5/3 इंटू स्मॉल ड्रॉप की एनर्जी। ये आपके पास आ गया एनर्जी का रिलेशन। आई थिंक यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। नाउ अब आता है अपने पास एनर्जी डिफरेंस। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तुमको, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि एनर्जी डिफरेंस पूछा जाए और इसी तरीके से करें, फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, बाई चांस ऑप्शन में दिख जाए इसलिए बता रहा हूँ। भाई एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का डिफरेंस, फाइनल एनर्जी कितनी थी? कैपिटल यू। इनिशियल एनर्जी कितनी थी अपने पास? एन इंटू छोटे वाले की एनर्जी स्मॉल यू। और अभी अपन ने देखा कि कैपिटल यू को मैं लिख सकता हूं, कैपिटल यू को मैं लिख सकता हूं एन की पावर 5/3 इंटू स्मॉल यू। तो स्मॉल यू आ जाएगा कैपिटल यू अपॉन एन की पावर 5/3। और जैसे ही आया आप यहां पर स्मॉल यू की जगह पर वैल्यू रख दो, स्मॉल यू की जगह पर जैसे ही वैल्यू रखोगे तो ये देखो इसकी जगह पर ये आ गया यू अपॉन 5/3 एन की पावर 5/3। यू पूरा कॉमन हो गया, एन की पावर 1 है, एन की पावर 5/3 है। या तो एन को नीचे ले जाओ या ऊपर ले जाओ। कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो ऑप्शन दिखते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने कन्वर्ट कर दिया, मैंने एन की पावर 1 को नीचे ले आया। तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस 1 और U तो कॉमन हो चुका था, ये बन जाएगा आपके पास 5/3 माइनस 1 इज 2/3। ये आ गया चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप। स्मॉल के टर्म्स में भी लिख सकते थे आप चाहते तो, U को लिख देते n की पावर 5/3 इंटू यू, आप U कॉमन ले लेते, एक और फॉर्मूला बन जाता। तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर कि वो कैपिटल U के टर्म्स में ऑप्शन दे रहे हैं कि स्मॉल U के। मैंने प्रेफर कर लिया कैपिटल U, स्मॉल U भी हो सकता था, दैट डिपेंड्स। बट हमारे ज्ञानियों को ये समझ में आ गया कि करना क्या है। तो हमने चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटी, एनर्जी और एनर्जी डिफरेंस सबकी बातें कर ली हैं। इसका भी तुम ले लो स्क्रीनशॉट, फिर करेंगे अपन बहुत जल्दी में कुछ क्वेश्चंस। तो ये रहा अपने सामने पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कितनी ड्रॉप्स हैं? 8 ड्रॉप्स हैं मरकरी की, इक्वल रेडियाई की, मतलब कि यहां पर स्मॉल वाली 8 ड्रॉप्स से एन की वैल्यू हो गई 8, पजेसिंग इक्वल चार्ज। इनके पास सबके पास इक्वल चार्ज है, मान लेते हैं क्यू, कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। इन तीनों ने, इन 8 ड्रॉप्स ने मिलकर एक बड़ी वाली ड्रॉप बना ली मरकरी की। Then the capacity of big drop compared to the each individual small drop is, अगर small drop की capacity C थी तो बड़े वाले drop की capacity कितने times हो जाएगी? अगर तुम्हें याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि capital C जो big drop का था वो n की power 1/3 into small drop का था। तो अगर यहाँ पर अपन इस चीज़ को apply कर दे तो यार n की value क्या है आपके पास? 8। तो बिग ड्रॉप का जो कैपेसिटी आएगी वो 8 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल ड्रॉप की आएगी कैपेसिटी। एन की पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 1/3 और ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया ट्वाइस। तो आंसर है 2 टाइम्स, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। एंड इफ यू नो द रिलेशन, ये क्वेश्चन शायद 15 सेकंड का भी नहीं था। आई डोंट थिंक सो कि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, क्योंकि हमने प्रैक्टिस की और क्वेश्चंस बदलते रहने चाहिए ताकि दिमाग खुला हुआ रहे। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। 8 स्मॉल ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर, फिर से एन की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? एन की वैल्यू है तुम्हारे पास 8।
स्मॉल रेडियस दे दी है, सेम चार्ज दे दिया है और इन्होंने कंबाइन करके एक बड़ी सी ड्रॉप बना ली। द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ बिगर ड्रॉप एंड द स्मॉलर ड्रॉप, पोटेंशियल का रेशियो मांगा है भाई। पोटेंशियल वाला फॉर्मूला अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कैपिटल वी इज इक्वल टू एन की पावर 2/3 इंटू स्मॉल वी था। क्रॉस चेक कर ले, देखो आज ही की क्लास में इसी वीडियो में अपन ने पढ़ा है, पोटेंशियल अगर आता है तो कैपिटल वी इज एन टू दी पावर 2/3 इंटू स्मॉल वी आता है। बाबा जी भी रट्टू पोपट नहीं है, और ईमानदारी की बात बताऊं ना, रटते तो अपन है ही नहीं, चीजों को समझते हैं और उनको जल्दी से करने का तरीका ढूंढते हैं। फिर भी अभी अभी किया था तो मुझे याद था, तो मैंने कहा क्रॉस चेक कर लूं कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तुम्हारे लिए नहीं, मैंने अपने लिए क्रॉस चेक कर लिया। बिग ड्रॉप अपॉन स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल चाहिए था, एन की वैल्यू 8 है तो वी अपॉन स्मॉल वी इज 8^2/3। इसको लिख देंगे हम 2^3, 3 से 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, 4:1 इज द राइट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगर फॉर्मूला याद था तो अगेन इट विल टेक हार्डली 15-30 seconds। तो ये है चीजें, अगर समझते जाएंगे तो काम होता जाएगा। चलो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फेरिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी सी मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज, कितनी है आपके पास कैपेसिटी मांगी है, कितनी है आपके पास, दो ड्रॉप्स हैं। अगर दो ड्रॉप्स हैं तो जो कैपिटल सी आएगा वो 2^1/3 इंटू स्मॉल सी आ जाएगा। अब आप कहोगे कि हमें क्या पता 2 का क्यूब रूट क्या होगा, बट यार दैट विल लाई। देखो एक चीज तो कंफर्म है, ये 2^1 होता तो ये 2 होता, मगर ये 1/3 है तो ऑब्वियसली 2 से कम है, ठीक है। सो अपने पास जो आंसर आएगा ग्रेटर देन 2c तो हो नहीं सकता, लेस देन 2c बट ग्रेटर देन c ये हो सकता है, लेस देन c ये इक्वल टू 2c ये भी नहीं हो सकता। तो अब अपने पास ऑप्शन क्या बचा, सो आंसर इज, जिसको थोड़ा सा क्यूब रूट का नॉलेज होगा दे विल इजीली एबल टू फाइंड आउट कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट होता है, अगर मैं आपसे कहूं स्क्वायर रूट निकालो तो स्क्वायर रूट भी 1.414 होता है, ठीक है। सो द आंसर ऑफ दिस इज लेस देन 2c बट ग्रेटर देन c, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल c जो है ये 2^1/3 इंटू स्मॉल c है, करके देख लेना एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अपने पास आता है कितनी ड्रॉप्स हैं, 64 अब की बार। ओहो कमाल कर दिया इन्होंने, स्मॉल r है, चार्ज q है, फॉर्म अ बिग ड्रॉप, द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप विद दैट ऑफ बिग ड्रॉप, छोटी वाली ड्रॉप की सरफेस चार्ज डेंसिटी और बड़ी वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकालना है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, यानी एक स्मॉल ड्रॉप की सरफेस चार्ज डेंसिटी और बिग ड्रॉप की सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकालना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। स्मॉल वाले के लिए हो जाएगा चार्ज स्मॉल क्यू अपॉन 4πr², बड़े वाले के लिए हो जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन 4πR², 4π से 4π कैंसिल। आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो आ रहा है क्या, स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि आपको कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू में भी रिलेशन चाहिए और आपको रेडियसेस में भी रिलेशन चाहिए। हमने ये किया हुआ है, तुम भी ट्राई करो और मैं भी ट्राई कर लेता हूं। तो देखो कैपिटल क्यू जो होगा वो हो जाता है एन टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू, चार्जेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं इनफैक्ट, तो ये 64 टाइम्स था तो इसलिए 64 स्मॉल क्यू हो गया। और रेडियस की बात करें तो अभी बताया था एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, एन क्या है यहां पे 64 है ना, देखो आप बोलते बोलते जवान भी साथ छोड़ देती है, 64 की पावर 1/3 इसको लिख देते हैं अपन 4 का क्यूब, तो 3 से 3 प्यारे भाइयों वालों ये 4 का क्यूब होता है, वो आपने 9th-10th में पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ ऐसा होता है ना, 3 से 3 कैंसिल 4, तो कैपिटल आर इज 4 स्मॉल आर। अब देखो यहां पर स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू की जगह पर अपन ने क्या रख दिया 64 इंटू स्मॉल क्यू, क्यों, क्योंकि कैपिटल क्यू इज 64 स्मॉल क्यू।
और कैपिटल आर की जगह पर अपन ने देखो आर की वैल्यू क्या है अपने पास 4R, तो ये आर का स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 स्मॉल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, 16 से ये कैंसिल हो गया 64, 1/4 टाइम। धांसू क्वेश्चन था, आंसर 1:4 है, मगर एक चीज का ध्यान रखना 4:1 लगाने में तुम देरी नहीं करोगे। आई थिंक इसका तो तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। वापस तो यार ये हमने ना ड्रॉप वाली कहानी कर ली कि ड्रॉप्स को जब कंबाइन करेंगे तो बड़ा काम क्या होने वाला है, और वो काम हमें दिख भी गया कि क्या होने वाला है। सारे फॉर्मूले को चार्ट बनाकर अपने फॉर्मूला बुक के अंदर पैक कर लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो, इसी तरह से पढ़ते रहो, और डरना मना है, बट MCQ जब आए तो थोड़ा सा डर जरूरी है, तो इस डर के साथ पढ़ना और ज्यादा जरूरी है। तो बहुत ज्यादा डर हो गया, आप डरना नहीं है, बाबा जी हैं तुम्हारे साथ में। इस वीडियो में इतना ही, जय हो।